सरदार, बाजंतीनियों को काराजार की वादियों में देखा गया है। उमर साहब ने भी उसी जगह का बताया था। वो आसपास के देहाती इलाकों पर हमला करेंगे। दौरान, साल्तुक। हुजूर, हुजूर। मुंतसर सिपाहियों को पैगाम भिजवा। जो आपका हुक्म हुजूर। जानते हो ना आगे तुम्हें क्या करना। जैसा आपका हुक्म हुजूर। आज जंग का वक्त है। आ जाओ। जितना सोचा था उतना बड़ा लश्कर नहीं। आपको क्या शुबा है उस्मान साहब? निकोला और दुकास इस लश्कर के सरबरा नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं उस्मान साहब? पहले तो हम इनसे अपना हिसाब लेंगे। किसी पर तरस मत खाना। उमर साहब, आप और आपके जंगजू पीछे से हमला करेंगे। दौरान सिपाही अपने सिपाहियों के साथ आपकी मदद करेंगे। सिपाहियों, आ जाओ। जिहाद मुबारक हो दोस्तों। आमीन। मुमकिन हो सकता है? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? दुकास ने हमें चाले के तौर पर इस्तेमाल किया। Allah! Allah!
उस्मान के सिपाही तुर्क देहातों का दिफा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत हमें रोकने के लिए काफी नहीं। सिर्फ 20 सिपाही हैं देहातों के लिए। हम एक ही वक्त पर हमला करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन देहातों में ईसाई लोग भी रहते हैं। हर एक जो तुर्कों के साथ रहना कबूल करता है वो तुर्क की तरह मरने का मुस्तैक है निकोला। चलो फिर, वक्त आ गया है खत्म करने का। तुम्हें यही रहकर हमारे लिए तहफ्फुज़ फराहम करना चाहिए। जब यह खत्म हो जाए तो तुम मेरी फतह का जश्न मनाना। जैसा तुम चाहो तो कहो। सिपाहियों चलो शुरू करें। उस्मान साहब, क्या इस फतह से मुतमईन नहीं है? क्या आपको हमारी फतह पे शक है उस्मान साहब? मुझे यकीन है इस सब के पीछे कोई और है। मुझे यकीन है कि वो इस लश्कर से तवज्जो मबजूल करने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर दुकास, क्या आपकी फतह है? उस्मान सोचेगा कि हम दोमांच के करीब तुर्क देहातों
और पहाड़ों में बसे तुर्कों पर हमला करेंगे। और मैं लियो को इसके बारे में बता दूंगा। उस्मान उस चारे को निकल लेगा। हम दुमांज के इलाकों में अपने सिपाही भेजेंगे, वहाँ पहले ही एक लश्कर तैनात होगा। हम उस्मान का ध्यान उस मकाम से हटवा देंगे और उस्मान वहाँ अपने जंगी मंसूबों को अंजाम देगा। लेकिन हमारा असल हदफ कोलोजा हिसार होगा। जबरदस्त, शानदार। मैं जानता था तुम एक अजीम कमानदार के बेटे हो। तुम्हारा मंसूबा कारामत साबित हुआ। इस फतह का हकदार कोई और है। एडनुस ने जबरदस्त किरदार अदा किया। ये वो है जो उस्मान को लियो के जरिए धोखा देने में बखूबी कामयाब हुआ। लेकिन इतनी जल्दी खुश होने का कोई फायदा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? उस्मान ने अभी तक कोई इकदाम नहीं किया। ऐसा लगता है कि तुम उस्मान से बहुत ज्यादा खौफजदा हो निकोला। इससे पहले उस्मान तुम्हारी आंखें नोच ले बस खबरदार कर रहा। उस्मान और उसके सिपाही हमारे मंसूबे के मुताबिक दुमांज में। जब वो जान जाएगा कि मैंने क्या किया तब वो मेरे पीछे आएगा, तब उसकी भी बारी आएगी। मैं एक अजीम मैदान जंग में उन सबका नाम और निशान मिटा दूंगा। जानते हो तुर्क इस तरह की सूरत हाल में क्या कहते हैं? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तुकास, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये तो है आईगुल। निकोला, निकोला और दुकास ने कोलोजा हिसार के करीबी देहातों पर हमला कर दिया है। उन्होंने हमारे लिए एक जाल बिछाया था और हम उसमें फंस गए। आप दुरुस्त थे उस्मान साहब। लोगों के हालात कैसे? वो सब जल सड़ गए हैं, बहुत अंबात हुई हैं। मासूम ईसाइयों को और बच्चों को भी हलाक कर दिया है। क्या कह रही हूं भाई को? हमने शिकार किया और परिंदा पकड़ लिया, लेकिन लेकिन हम खुद भी उस जाल में फंस गए।
कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि अगर ये जाल हमारी तलवारों को तेज नहीं करता, अगर हम भाग गए, खून का हिसाब नहीं लेते, तो ये तलवारें हमारे सीनों में व्यवस्थित हो जाए। हमारी तलवारें हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए। आपके भेजे गए सिपाही लौट आए। सिपाहियों रुक जाओ। सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक काइयों के सरदार उस्मान गाजी ने मेरा इस्तकबाल किया। उस्मान साहब की जेरे निगरानी में आपका खैमा मरकजी मकाम पर कायम किया गया। वो जाती तौर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे गाजियों के अहवाल के बारे में बताओ, क्या सिपाही खुश हैं या फिर वो लोग परेशान हैं? मेरे सुल्तान, मैंने देखा कि तमाम गाजी सरदारान जंग के लिए परेशान होने के बजाय जश्न मना रहे हैं। उस्मान साहब भी जश्न में उनके साथ हैं, और मैंने देखा कि तमाम गाजी सरदार उस्मान साहब का एहतराम और इज्जत करते हैं। मैंने जिसके साथ भी बात की तो उसने मुझे ये बताया कि उस्मान साहब के झंडे तले जंग लड़ना उन सब के लिए लुत्फ और नेमत से कम नहीं। अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। रह गई आईगुल, वो जल्दी ही यहां पहुंच जाएगी। तुम काफी बेचैन लग रहे हो जेरकोताय। हाँ, मैं बहुत बेचैन हूं। अच्छा, यहां तक कि मैं कभी भी इस कदर बेचैन नहीं हुआ भाई। मैं हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहता हूं। बाज़ंतीनियों से अपना इंतकाम लेंगे, हम उनसे उनका साधु सामान छीन लेंगे, यहां तक के मैं उससे अपना जहेज तैयार करूंगा। मैं
सिपाहियों, हुजूर, मुझे बताओ सूरत हाल क्या है। वो हमले से बचने के लिए सारी रात निगरानी करते हैं हुजूर। वो अब आराम करेंगे, अंधेरा होने पर मरकजी मुकाम की तरफ रवाना होंगे। काफी सारा माल गनीमत मौजूद है। क्योंकि वो सारी रात सांप की तरह चलते रहे तो अब वो थक चुके होंगे हुजूर। ये इन्हें शिकस्त देने का बिल्कुल सही वक्त है। वहां काफी मिकदार में सामान तो मौजूद है लेकिन उनकी तादाद भी काफी है। सिपाहियों को खबर भेज दें उस्मान साहब। चार एक का मुकाबला है, चार एक का। हर भेड़िए के लिए चार गीदड़ मौजूद है। इसे तो देखो जरा, जरकुताई भी सबर नहीं कर पा रहा। चलो, सुल्तान भी जल्द पहुंच जाएंगे, वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। गुंदूस भाई, आप तीरंदाजों की रहनुमाई करेंगे। समझ गया उस्मान साहब। और यहां से भागने वालों को आईगुल खातून संभाल लेंगे। शुक्रिया हुजूर। हमले से तबाह हो गया, अब मैदान जंग उसका अंजाम होगा। काश ये इतना आसान ही होता जितना तुमने कहा है दुकास। अब वो सिर्फ सुल्तान पर ही भरोसा करेगा। सिर्फ सुल्तान ही है जिस पर उसे पूरा भरोसा है। सुल्तान का लश्कर पहली बार आ रहा है दुकास। वो लोग जो जंग से पहले अपनी उम्मीद गवा बैठते हैं निकोला, उनके लिए जंग में जाना गैर जरूरी होता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जंग हम जीतेंगे, लेकिन जिस बात में शक है वो ये है कि जंग में कौन जिंदा रहेगा। दुमांज के करीबी मरकजी मकाम है, वहां कोई खतरा नहीं है जनाब। सिपाही दस्ते और साजो सामान? आपके हुक्म के मुताबिक वो अंधेरा होते ही रवाना होंगे। वो आज रात मरकजी मकाम तक पहुंच जाएंगे जनाब। ठीक है, चलो फिर जल्दी चले, फतह हमारा इंतजार नहीं करेगी। भागो नहीं, बेवकूफों कहां भाग रहे हो? Yeah.
खुश हो रहे हो बहुत जरकुतार। बिल्कुल हुजूर, मैं जहेज तैयार करने के लिए परेशान था, लेकिन शहंशाह की फौज ने मेरे लिए इसका बंदोबस्त कर दिया। एक अच्छी खातून से तुम्हारी शादी करवाने का वक्त आ गया है। दुकास और तैकफूर निकोला जब इस बारे में सुनेंगे कि साजो सामान और सिपाही दस्ते के साथ क्या हुआ तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे। लेकिन लियो, लियो को निशाना बनाया गया। हमारे करीब होने की वजह से उन्होंने लियो के साथ ये सब कुछ किया। लेकिन मैं दुकास के साथ अपना मामला जंग के मैदान में हल करूंगा। जी भाई, शिमाले गनीमत सुल्तान के मरकजी मुकाम तक ले जाओ। जो आपका। हम लोग कबीले वापस जाएंगे। आ जाओ।